अमृतसर में अगर सबसे बेहतरीन कुलचों की बात की जाए तो अशोक कुमार कुलचे वाले का नाम सबसे ऊपर आएगा। जितने प्यार लाड और दुलार से अंकल कुलचे बनाते और खिलाते हैं भाई, आप वाह कहने पे मजबूर हो ही जाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि किसी ने सही ही कहा है कि अमृतसर में खुशियाँ, सपने और ख्वाहिशें तीनों तंदूर में ही पकते हैं। तो जी, अमृतसर में कुलचे बेचने वाले बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन अशोक अंकल के कुलचों की बात ही कुछ और है। यहाँ पे जो कुलचे हैं ना, वो किस तरीके से, कितने प्यार से, कितने दुलार से बनाए और खिलाए जाते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे जो आटा लगाया जाता है उसके अंदर पहले बहुत सारा घी डाला जाता है, बाकी जगहों में सिर्फ मैदा लगाते हैं और उसको बेल के आप तंदूर में लगा देते हैं और उसके बाद वो कुलचा तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा अनोखा है। शायद इसीलिए इनके जो कुलचे हैं ना भाई, वो वन ऑफ़ दी बेस्ट है और मेरे फेवरेट हैं अमृतसर के अंदर। बहुत सारी मात्रा में पहले जाता है घी, इसको अच्छे से पहले मोइन किया जाता है और इस तरीके से बार बार ये घी लगा लगा के इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देते हैं। और इस डो के अंदर ऑलरेडी होता है जी नमक और अजवाइन, और उसके बाद इन्होंने इसके अंदर डाला है धनिया और साथ में अपना मसाला, और उसके बाद इस तरीके से बुक एंड फोल्ड मेथड से इसको इस तरीके से ये जो है फैलाते हुए अब इसके लच्छे काट रहे हैं। ये देखिए, तो ये देखिए जी, अब जो यहाँ पे मिक्सचर है उसको तैयार किया जा रहा है। बहुत सारे मिश्रण है इसके अंदर और आपने देखा किस तरीके से आलू, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, धनिया, अब इसको ये भर रहे हैं इसके अंदर। ये देखिए किस तरीके से, तो भाई अंकल के पास आपको जो कुलचे मिलते हैं वो मक्खन वाले नहीं होते हैं, वो होते हैं जी देसी घी वाले कुलचे, और सिर्फ देसी घी के कुलचे ही आपको यहाँ मिलते हैं। आप देखिए जो कुलचे हैं वो वहाँ पे उनके पेड़े तैयार हो चुके हैं और इस तरीके से ऊपर से इसमें और घी डाला जा रहा है, और कितनी सारी मात्रा में यहाँ पे कुलचे तैयार होते हैं आपके ये सामने हैं। ऊपर से डाल रहे हैं जी मसाला, और ये मसाला ही इनके कुलचों की जान है। और उसके बाद इसको अंकल, मैंने अमृतसर में बहुत जगहों पे कुलचे खाए हैं लेकिन आप जैसे कुलचे कोई नहीं बनाता। बस हमारा प्यार ही है जी, जो भी कुलचा बनाते हैं प्यार से बनाते हैं, खिलाते भी प्यार से हैं। अच्छा, तो अंकल कितने साल हो गए आपको यहाँ पे काम करते हुए? हमारे को हो गए 47 साल। बढ़िया। तो अंकल कौन कौन से कुलचे मिलते हैं जी आपके यहाँ पे? यहाँ पे ड्राई फ्रूट है, आलू वाला कुलचा, पनीर वाला। अच्छा जी, तो अंकल मैंने जो कुलचे खाए हैं अमृतसर में वो आपके कुलचों से इसलिए भी वक्रे हैं कि इसके अंदर आप घी का इस्तेमाल करते हैं खूब सारी मात्रा में। घी का इस्तेमाल करते हैं और सेक का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो भाई ये देखिए कितनी सारी मात्रा में ऊपर से डाला जाता है देसी घी। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के कुलचे कितने लाजवाब और कितने स्वाद होंगे। ये ड्राई फ्रूट वाला कुलचा कितने का है? 100 रुपये का एक, 100 रुपीज़ का ड्राई फ्रूट वाला है। और नॉर्मल अगर आप कुलचा लेते हैं आलू वाला तो वो है 40 रुपये का, और पनीर वाला 60 रुपये का। तो अंकल कहाँ पे खड़े होते हैं, जरा एड्रेस बताइए किसी को आना हो अगर। तो ये लोगढ़ गुरुद्वारा के पास है, बिल्कुल। अच्छा, लोगढ़ गुरुद्वारा, अशोक कुलचे वाला। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो भाई ये है इनका स्पेशल आलू वाला कुलचा, देखिए कितना फ्लेकी है, कितना करारा है, और अंदर से ये उतना ही सॉफ्ट है। बहुत सारी मात्रा में इसमें देसी घी डाला और लगाया जाता है, आपने देखा है किस तरीके से, और सर्व किया जाता है 40 रुपये के अंदर, मात्र 40 रुपये के अंदर। आई थिंक अमृतसर का सबसे बेहतरीन कुलचा यही है। साथ में इसके सर्व करी जाती हैं जी ये इनके बहुत बढ़िया छोले, ये देखिए, और साथ में है जी ये इमली और प्याज की चटनी। तो बाइट लेते हैं और आपको बताते हैं कैसा है। अमृतसर में आपको हज़ारों कुलचे वाले मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे कुलचे अगर आपको अमृतसर में कहीं मिल जाए तो आप मुझे कमेंट में जाके बताना। और अगर आपको ये खाने हैं लोगढ़ आइएगा अशोक अंकल के पास, सबसे बेहतरीन अमृतसरी कुलचे खाने के लिए, लाजवाब फ्लेवर, लाजवाब टेस्ट और लाजवाब रिकमेंडेशन।